प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, हम आपको यूनिट बाय यूनिट सिलेबस करा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चनों पे ध्यान दें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है, सबसे मेन। हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आप वीडियो टाइम में हों, या आप स्टडी रूम में हों, या आप अपने एग्ज़ाम रूम पे हों, अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर, दो मिनट का आंसर आप एक मिनट में बड़ा आसानी से दे सकते हैं। ज़रा ध्यान दें, क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, आपके शंकु के पार्ट से लिया गया है और आपकी यूनिट मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर की आएगी और आपके एग्ज़ाम के लिए जो हितकर है और इम्पोर्टेंट है। ज़रा ध्यान दीजिए आप, यदि आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये सीएम सेंटीमीटर है, आर आपकी त्रिज्या है शंकु की, एल बराबर 21 सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर है, एल आपकी तिरछी ऊंचाई है, एल बराबर 21 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो क्या निकालना है हमें, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अब आप देखिए अपने आंसर या सूत्र में, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। जरा ध्यान दें, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। आगे आप देखें पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा 7 गुणा 21। जरा ध्यान दें, 7 आपका कट जाएगा। जब 22 और आप 21 की गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7462। जरा ध्यान दीजिए, 7 से 7 आपका कट जाएगा, 22 की जब आप 21 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग पृष्ठ निकालें या संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा या वर्ग सेंटीमीटर लिखना होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको वर्ग सेंटीमीटर लिखना होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। अब जरा आप ध्यान दें, बच्चे कहते हैं कि आपने सोल्यूशन कर लिया, आंसर निकाल लिया, लेकिन सर ये मालूम नहीं पड़ा कि ये सेंटीमीटर कहाँ से आया। अगर आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखें, अगर आपके क्वेश्चन में मीटर है तो आप मीटर लिखें। वीडियो को बार बार पढ़ते रहें, समझते रहें। अगर वीडियो आपको सही व सटीक लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।